अगर पहला इंस्टॉलमेंट मिला है तो किस हिसाब से मिला है, और सेकंड थर्ड फोर्थ किस हिसाब से मिलेगा, क्या पहला का ही 3 गुना करके मिलेगा? पर इंटरेस्ट मिलना बिल्कुल जरूरी है, वो हक बनता है। एरियर आया सर, उसमें क्या 18 महीने का DADR भी जुड़ा हुआ है? अब ये एरियर तो मिल गया, अब 18 महीने का DADR का एरियर कब मिलेगा? नमस्कार वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। जैसे आप बोर्ड पर सब्जेक्ट्स देख पा रहे हैं दोस्तों, इन सब्जेक्ट्स पर आज बात करेंगे इस वीडियो में। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ये है दोस्तों कि आपका जो इंस्टॉलमेंट का जो हिस्सा बनाया गया है, आपका पहला इंस्टॉलमेंट में किस हिसाब से आपको कैलकुलेट करके पैसा दिया गया, दूसरे तीसरे चौथे में किस हिसाब से आपको पैसा मिलने वाला है, उसके बारे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों चलिए एक तरफ से हम सब्जेक्ट्स के ऊपर आगे बढ़ते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, सबसे पहला सब्जेक्ट है जुलाई 2019 से ब्याज मिले केस, केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में था। दोस्तों आप सबको बता दूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग होने की वजह से जुलाई 2019 में जो ORP 2 लागू था उसको उस समय में नहीं दिया गया, क्योंकि यही बताया गया कि केस सब जुडाइस है, यानी कि विचाराधीन है। तो आज भी केस विचाराधीन है, ORP के एरियर के मोड ऑफ इंस्टॉलमेंट यानी कि किस हिसाब से दिया जाएगा, एक ही इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा, कितने तारीख को दिया जाएगा, इस बात को लेकर के आज भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है और एरियर का भुगतान भी चल रहा है। इसका मतलब अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस रहते हुए भी भुगतान हो सकता है आज के डेट में, तो 2019 में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि केस तो यही चल रहा है ना, आज भी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस ये चल रहा है कि ORP के एरियर का भुगतान इकट्ठा हो या 4 हिस्सों में हो, या कब तक हो, 15 मार्च तक हो या 6 महीने के 4 इंस्टॉलमेंट में हो। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड केस आज के डेट में चल रहा है, फिर भी एरियर का भुगतान तो कंटिन्यू है, इसका मतलब मैटर सब जुडाइस होने से भी भुगतान में कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता, यही प्रूफ होता है। तो 2019 में फिर क्यों भुगतान नहीं किया गया? 2019 में भुगतान किया जाना चाहिए था, इसका मतलब जो पुराना रेट है, जो गवर्नमेंट का रूल है, उसके हिसाब से किया जाना चाहिए था। जो केस चल रहा है वो चल रहा है, जिस दिन डिस्पोज ऑफ होता उस हिसाब से फिर रिवाइज कर देते अगर कुछ निकल के आता तो। तो इसका मतलब 2019 में भुगतान हो सकता था, जो नहीं किया गया, इस वजह से उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलना बिल्कुल जरूरी है, वो हक बनता है। अगला जो विषय है दोस्तों, PMR पर गोलमोल जवाब। दोस्तों एक पूर्व सैनिक है इंग्लेश रंजन जी, जिन्होंने एक सवाल किया था प्रीमेच्योर रिटायरीज के ऊपर, उनका जवाब डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बिल्कुल गोलमोल सा आया है। उन्होंने ये बोला था कि पहले नोटिफिकेशन में आपने निकाला था कि 7 नवंबर 2015 के बाद वालों को आप प्रीमेच्योर नहीं देंगे, और अभी वाले में आप बोल रहे हैं जुलाई 2014 से प्रीमेच्योर नहीं देंगे, ये तो बात अलग अलग हो गई। तो जवाब ये आता है कि जो 7 नवंबर 2015 वाला लेटर था उसमें हैंसफोर्थ लिखा गया था, वो हैंसफोर्थ 1 जुलाई 2014 के लिए था। यानी कि आप समझ के देखिए, हैंसफोर्थ जो शब्द है उसका अर्थ होता है इसके बाद, इसके बाद लिखा जाता है 7 नवंबर 2015 वाले लेटर में, और वहां ये दलील अभी दी जाती है कि वो हैंसफोर्थ लिखा गया था 1 जुलाई 2014 के लिए, जो कि बिल्कुल मानने लायक नहीं है। ये है वो जवाब जो इंग्लिश रंजन जी को मिला है, जो अमूमन बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठाते रहते हैं, ORP से रिलेटेड भी बहुत सारे मुद्दे इन्होंने उठाए हैं। तो देखिए दोस्तों, ये डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से आया हुआ जवाब है, जो कहीं ना कहीं मेरी तरफ से गोलमोल जवाब है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 18 महीने का DADR मिला। दोस्तों ये बड़ा सवाल है, आप सबको पता है कि नहीं, पता नहीं मुझे कि अभी जब एरियर मिल रहा है तो ये सवाल आ रहा है कि जो एरियर आया सर उसमें क्या 18 महीने का DADR भी जुड़ा हुआ है, या कोई ये पूछ रहे हैं कि अब ये एरियर तो मिल गया, अब 18 महीने का DADR का एरियर कब मिलेगा? दोस्तों आप सबको बता दूं कि 18 महीने के DADR के चैप्टर को सरकार ने राज्यसभा में अपने एक जवाब के जरिए क्लोज कर दिया था, यानी कि सरकार ने ये बता दिया है कि 18 महीने का DADR हम देने में समर्थ नहीं है। तो अब ऐसे में 18 महीने का DADR का बारे में आप होप लगाना, आशा करना छोड़ दीजिए। एक थोड़ा सा चांसेस एक है कि 2024 से के इलेक्शन से पहले पहले अगर ये मुद्दा बन जाए तो, क्योंकि कई सारे फेडरेशन, रेलवे फेडरेशन हो गए और भी फेडरेशन से, उनकी ये मांग है 18 महीने का DADR को जो है दिया जाए। तो अगर 2024 के इलेक्शन से पहले अगर कहीं किसी वजह से ये मुद्दा बन जाए और मिल जाए तो अलग बात है, अदरवाइज एज ऑफ नाउ अभी के हिसाब से वो चैप्टर बिल्कुल क्लोज है, आप उसकी आस ना करें, कड़वी है लेकिन सच्चाई है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कोरिजेंडम PPO में गलतियां। दोस्तों अभी कोरिजेंडम PPO जो निकल रहे हैं अभी रिसेंटली, पिछले एक हफ्ते से या आज कल कल परसों भी निकले हैं, उनमें बहुत सारी गलतियां पाई गई हैं, जिसमें डेट ऑफ बर्थ में गलती है, किसी का स्टेट गलत लिखा गया है, किसी का बिल्कुल स्पाउस डिटेल, फैमिली डिटेल्स ही नहीं है।
तो अगर आपका डिस्चार्ज बुक में ओरिजिनल पीपीओ में सही है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, आप सीपी ग्राम्स में एक ग्रीवेंस जरूर डाल दीजिए कि ये गलतियां मेरे ओरिजिनल पीपीओ में हैं। अगला जो विषय है दोस्तों, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वालों को सेकंड थर्ड फोर्थ का। अब दोस्तों इसमें मैं आपको जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिला वो कैसे मिला लाइव करके दिखाऊंगा आपको, फरवरी का पेंशन स्लिप के साथ समझाऊंगा, वहां पर पूरा डिटेल्स पर से ही निकाल के आपको दिखाऊंगा कि आपका अगर पहला इंस्टॉलमेंट मिला है तो किस हिसाब से मिला है और सेकंड थर्ड फोर्थ किस हिसाब से मिलेगा, क्या पहला का ही 3 गुना करके मिलेगा या तो फिर उससे कम ज्यादा मिलेगा, उस बात को समझते हैं। चलिए मैं आपको स्पर्श आईडी के अंदर ले जा करके आपको पेंशन स्लिप फरवरी महीने का दिखाता हूं, जिसमें आपको जुलाई 2019 से लेकर दिसंबर 2022 या जनवरी 2023 तक का पूरा ब्योरा मिलेगा, वो दिखाता हूं और समझाता हूं आपको कि आपका एरियर का पहला इंस्टॉलमेंट और चौथे इंस्टॉलमेंट के बीच का हिसाब किताब क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्पर्श पोर्टल में अभी लॉगिन होना है इंडिविजुअल लॉगिन यूजर आईडी और पासवर्ड इस्तेमाल करके। अब देखिए ये जो पेंशनर हैं ये प्री 16 होने की वजह से ये अलर्ट दिखा रहा है, तो इस अलर्ट से चिंता नहीं करना, आपने ओके में क्लिक करना है। जैसे आप ओके में क्लिक करेंगे आप अंदर पहुंच जाएंगे, ये देखिए अब जो पोस्ट 16 वाले हैं उनके इधर सारे फैसिलिटीज होते हैं जो इनके में नहीं है, लेकिन इनके में ये फैसिलिटीज हैं, पेंशन स्लिप, लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस, ट्रैक सर्विस, अगर आपने सर्विस रिक्वेस्ट डाला था उसको ट्रैक कर सकते हैं, और अपडेट पेंशन पर्सनल डिटेल्स यानी कि आपका आधार पैन वगैरह आप यहां से अपडेट कर भी सकते हैं। तो हमने अभी पेंशन स्लिप वाले ऑप्शन में जाना है। जैसे हम पेंशन स्लिप वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे, अब देखिए दोस्तों ये फरवरी महीने का आपका पेंशन स्लिप यहां पर सीधा दिखाई देगा, जिसमें आपने सिर्फ क्लिक करना है वो खुल जाएगा। ये देखिए आपने फरवरी महीने का पेंशन स्लिप में क्लिक करना है, जैसे क्लिक किया ये देखिए खुल गया दोस्तों, ये है आपका फरवरी महीने का पेंशन स्लिप जो पूरा डिटेल्स के साथ है, आप देख पा रहे हैं। ये देखिए जो आपका सबसे ऊपर दिख रहा है ये एरियर, जो इस महीने आपका एरियर जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्रेडिट हुआ है इसका डिटेल्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि बिल्कुल क्लियर आपका वही अमाउंट है जो आपके खाते में आया है 30,481 रुपये। जिन भी पेंशनर का मैं दिखा रहा हूँ उनका ये अमाउंट है। अब यहाँ पर और एक एरियर का ये देखिए कि 4 में से पहला किस्त यानी कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1 of 4 यानी कि 4 इंस्टॉलमेंट से पहला इंस्टॉलमेंट है जो कि 27,569 रुपये। अब यहाँ पर 2 अमाउंट में डिफरेंस हो गया, अब इसमें आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, जो आपका पेंशन स्लिप में भी ऐसा ही रहेगा, आप कन्फ्यूज रहेंगे, तो इसको मैं आपको आगे समझा दूंगा जिससे आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगी दोस्तों। चलिए पहले दिखाता हूँ कि 2019 यानी कि जुलाई 2019 से लेकर के अभी तक का आपका एरियर का कैलकुलेशन ऐसे दिखाया गया। ये देखिए आपका हर महीने का बढ़ोतरी कितना है, डीआर कितना है, जिस भी महीने जितना डीआर था उसके हिसाब से कैलकुलेट किया गया, और आगे टोटल आपका बढ़ोतरी कितना हुआ है पेंशन में। तो ऐसे जुलाई 2019 से लेकर के अभी तक का पूरा एरियर का इसमें डिटेल्स है, जो आपको मैं अभी नीचे लेके चलता हूँ दिखाता हूँ कि कैसे इसमें है। तो देखिए ये जो भी पेंशनर है उनका जनवरी 2023 तक का इसमें डिटेल्स है, जो कि आप आगे देख पा रहे हैं, जो हर महीने पेंशन बेसिक पेंशन 2110, डीआर 802 और टोटल मिला के 2912, जो कि 1,13,186 रुपए उनका टोटल एरियर बना जनवरी 2023 तक का। देखिए 31 जनवरी 2023 तक का, अब ये तो हिसाब किताब हो गया टोटल एरियर 2023 तक का, जिसमें हर महीने की बढ़ोतरी लास्ट महीने उनको 2912 रुपए मिला था। अब इसमें आपको जो कंफ्यूजन होने वाली चीजें वो समझाता हूं। देखिए दोस्तों यहां 27,569 रुपए उनका डीआर का पहला इंस्टॉलमेंट है, एरियर का पहला इंस्टॉलमेंट बन रहा है, लेकिन ऊपर जो उनको एक क्रेडिट हुआ है वो 30,481 रुपए हुआ है। ये कैसे हुआ है तो यहां पर आपको बता दूं, जनवरी 2023 तक का आपका टोटल एरियर निकाला गया था, जिसमें आपका फरवरी महीने का एरियर इंक्लूड नहीं था। तो आगे मार्च में जिनका भुगतान अगर बाई चांस होगा, मान लीजिए 30 मार्च 31 मार्च के बाद, तो उनमें 2 महीने का ऐड होगा, या मार्च तक का जो है उसी हिसाब से 1 महीने का ऐड होगा। तो यहां 2912 रुपए इसमें इंक्लूड नहीं था, जो कि फरवरी महीने का था। तो आपको मैं अभी कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, ये देखिए जो कि 27,569 रुपये, अब उसमें आप 2912 रुपये ऐड कर दीजिए। 2912 रुपये जैसे आपने ऐड कर दिए, ये देखिए 3,481 रुपये हो गए, जो कि टोटल जो भुगतान हुआ एरियर हर महीने उसका बिल्कुल एक्यूरेट हिसाब किताब है। तो आपके डाउट अभी क्लियर हो गया होगा दोस्तों कि आपको कैसे ये एरियर का इंस्टॉलमेंट मिला है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो आप समझ गए अभी, अब आपका दूसरा तीसरा चौथा कैसे मिलेगा, ये जो मिलेगा आपको 27,569 के हिसाब से ही मिलेगा, इसमें कोई 1 महीने का ऐड नहीं होगा, क्योंकि ये पहले ही कैलकुलेटेड है।
तो आप देखिए 3 से जैसे गुना कर दिया हमने, 82,707 रुपये टोटल एरियर हो गया दूसरा तीसरा चौथा मिला के, जो कि आने वाले दिनों में जल्दी मिलने के आसार हैं। तो इसको 3 से हमने जैसे गुना कर दिया, ये अमाउंट निकल गया। तो आप अभी समझ गए होंगे दोस्तों कि एरियर का कैलकुलेशन का क्या हिसाब किताब है और जुलाई 2019 से अभी तक का क्या एरियर है। दोस्तों आप सबने अभी देखा कि आपका पहला इंस्टॉलमेंट किस हिसाब से दिया गया, दूसरा तीसरा चौथा किस हिसाब से आपको कैलकुलेट होकर के मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इन्हीं सब्जेक्ट्स को लेकर के आया था, आगे और कोई जानकारी था आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।